हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। तो वेलकम टू माय चैनल आरिफ फिटनेस, और मैं हूं आरिफ खान। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देख ली, तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो कैसे बनाना है, इसी तरह की वीडियो का कौन सी ऐप से बनाना है, और जो मैंने इस वीडियो में जो पिक्चर लगाया था वो पिक्चर कैसे एडिट करना है, सारा तरीका मैं बताता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को जरूर आखिर तक देखना है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो आप लोगों को सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले आप लोगों को फोटो का एडिटिंग सिखाता हूँ कि आप लोगों ने उसी तरह के फोटो कैसे एडिट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं पिक्सार्ट से वो फोटो एडिटिंग आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर देना है। तो मैंने पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर दिया, आप लोगों को दिखाई देता है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर जो प्लस का निशान दिखाई देता है आप लोगों को नीचे, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपली ऑल फोटो पर क्लिक कर देना है। तो ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद आपके गैलरी में जितने भी पिक्चर हैं वो सारे पिक्चर यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने एक पिक्चर जो आप लोगों ने खींची होगी अच्छी तरीके से तैयार करके, तो आप लोगों ने वो पिक्चर यहाँ पर लाना है। तो पिक्चर मैंने लिया है, तो इसको मैं एडिट करता हूँ और आप लोगों को तरीका भी सिखाता हूँ कि इसको कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ये टूल्स का निशान यानी ब्रैकेट का निशान आप लोगों को दिखाई देता है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर क्रॉपिंग यानी इसको इसी तरह के क्रॉप कर देना सिर्फ इतना साइज के। तो टिक निशान पर क्लिक करें तो ये पिक्चर आपका क्रॉप हो जाएगा। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है, मैं आप लोगों को दिखाई देता है। तो आप लोगों ने एडिट फोटो पर जाना है, और एडिट फोटो में आप लोगों को एक लोगो दिखाई देता है जो कि मैंने ये आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है, तो पहले ये बताता हूँ कि ये कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करें। तो चले तो आप लोग सिंपली गूगल पर जाइए, यहाँ पर सिर्फ सर्च करें स्टिकर, आप लोगों को दिखाई देता है स्टिकर मैंने सर्च कर दी। तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर इमेज पर जाना है, इमेज पर हम गए, और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे स्टिकर दिखाई देता है। आप जिस जो भी स्टिकर आप सेट करना चाहते हो वो स्टिकर आप लगा सकते हो। बहुत से स्टिकर हैं यहाँ पर, ये स्टिकर है, नीचे आप लोगों को बहुत स्टिकर मिलेंगे, आप लोग देख सकते हो जो भी स्टिकर आप लोग लगाना चाहते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को ये स्टिकर दिखाई देता है, तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली इस पर एक उंगली दबाकर रखना, तो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है डाउनलोड इमेज, तो डाउनलोड इमेज पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इसे डाउनलोड कर देना, ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन कुछ जो पिक्चर है वो डाउनलोड नहीं हो सकते क्योंकि वो पैसे मांगता है आप लोगों को, वो डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, तो वो छोड़ दें और जो फ्री में होता है उसे डाउनलोड करें। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को मैं एडिटिंग सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये तरीका तो आप लोगों ने देख ली कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, अब आप लोगों को एडिटिंग सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ पर हाथ पर मुझे लगाना है, तो यहाँ पर ब्लेंडिंग के ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देता है, तो सिंपल इस पर क्लिक कर देना। ये देखते हो मल्टीप्लाई आप लोगों को दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये इसी तरह का हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट कर देना, तो मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह के सेट कर दिया। आप लोग बॉडी के जो भी हिस्से पर लगाना चाहते हो वो वहाँ पर लगा सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें मुश्किल होने का कोई बात नहीं है। तो दोस्तों ये पिक्चर हमारा सेट हो गया, तो इसे क्या करते हैं, इसको हम टेक्निशियन पर क्लिक करते हैं और इसे अपने गैलरी में सेव करते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये पिक्चर जो है ना, ये सेव करते हैं हम, तो ये गैलरी में हमारा सेव हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस पिक्चर को कैसे सेट करना है, तो फिर आप लोगों ने एक बार फिर प्लस के निशान पर क्लिक करना है, और आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आप लोगों को दिखाई देता है। तो आप लोगों ने वही पिक्चर पर क्लिक कर देना है, तो मैंने वही पिक्चर पर क्लिक कर दिया, और आप लोगों ने यहाँ पर एडिट पिक्चर पर एडिट फोटो पर क्लिक कर देना है दोबारा से, और वही पिक्चर दोबारा से लेना है। तो ये पिक्चर दोबारा से आ चुका है हमारे पास, और ये पिक्चर यहाँ आप लोगों ने क्या करना है के कुछ यहाँ पर सेट कर देना है, आप लोगों को दिखाई देता है, मैंने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो इसे सेट करना और इसको इसी तरह के थोड़ा कम कर देना है ताकि वो दोनों पिक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से दिख सके, तो इसी तरह के कर देना है। फिर आप लोगों को ऊपर ये निशान आप लोगों को दिखाई देता है, तो इस पर क्लिक कर देना है, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो ये पिक्चर दूसरे पिक्चर पर आए हैं, तो उसे उंगली की मदद से इसी तरह के डिलीट करना है, आप लोगों को दिखाई देता है। तो इसी तरह के
जल्दी जल्दी से डिलीट करना है, ये जो बड़ा वाला पिक्चर है ना इसको सॉफ्ट करना है आप लोगों ने अच्छी तरह से। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब आप लोगों ने टिक निशान पर क्लिक कर देना है और इस पिक्चर को इसी तरह के मुकम्मल कर देना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों मेरा पिक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीके से आ चुके हैं। दोबारा से जाना है एडिट फोटो पर, किधर गया, एडिट फोटो पर जाना है और एडिट फोटो पर वो दोबारा से वही पिक्चर को सेलेक्ट कर देना है और इसको एक बार यहाँ पर सेट करना है। तो इसको भी इसी तरह के 50 के यानी इसी तरह के सेट करना है और इस ब्रश का निशान जो भी है इस पर जाना है और उसी तरह के ये पिक्चर भी, उसी तरह के ये जो बड़ा वाला पिक्चर है इसे अच्छी तरह के तरह से साफ कर देना है। आप लोगों को दिखाई देते हैं अच्छी तरीके से करना ताकि आपको, मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ, आप लोग इसे भी अच्छी तरह से करना ताकि आपके पिक्चर इससे भी ज्यादा अच्छा है। तो इसको फिर दोबारा से मुकम्मल कर देना। अगर आपके पिक्चर ज्यादा इसी तरह हो चुका है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता है कि थोड़ा गलत हो चुका है, तो रिस्टोर पर जाना है और इसको इसी तरह के सेट कर देना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारा पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से बन चुका है। यहाँ पर आप लोगों अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ। तो आप लोगों को दिखाई देता है ये हमारा पिक्चर इसी तरह के बन चुका है। आप लोगों ने टिक निशान पर क्लिक कर देना और इसे सिंपली सेव कर देना है। तो मैंने इस पिक्चर को सेव कर दिया, ये पिक्चर हमारा सेव हो चुका है। अब आप लोगों को दिखाई देता, आप लोगों को एडिटिंग सिखाऊंगा कि वीडियो कैसे बनाना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने पिक्सार्ट को कट कर देना, ऐप को ओपन कर दिया। आप लोगों को यहाँ पर जो वीडियो, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने फिर वीडियो कैसे बनाना है। तो आप लोगों ने प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है और ये 1.1 ये जो आप लोगों को दिखाई देता है इसको सेलेक्ट कर देना है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि वीडियो कैसे बनाना है। तो दोस्तों इसी तरह के इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो आप लोगों ने मीडिया पर क्लिक कर देना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने वही पिक्चर जो आप लोगों ने अभी अभी एडिट किया तो वही पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। तो इसी तरह के अच्छी तरह से उंगली की मदद से इसको सेट कर देना। तो मैंने इसको इसी तरह के सेट कर दिया और दूसरे पर आते हैं तो इसको भी इसी तरह के अच्छी तरीके से सेट कर देना है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पर ये निशान आप लोगों को दिखाई देता है तो इस पर क्लिक कर देना। तो वीडियो को थोड़ा लंबा कर देना इसी तरह के। तो वीडियो को लंबा करने से बाद तो आप लोगों ने फिर क्या करना है कि इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आना है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना इसको ओपन कर देना है इसी तरह, और ये कलर जो है ना इसको कलर, इसका कलर थोड़ा कम कर देना है, सबको थोड़ा थोड़ा सा कम कर देना है इसी तरह के कर देना है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा लेयर पर जाना है और लेयर पर मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगा और ये एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक वीडियो है। तो आप लोगों को ये वीडियो जो मैं यहाँ पर सेट करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग सिंपली है वहां से ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो आप लोगों ने सबसे नीचे यहाँ पर जाना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देता है तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो वीडियो है वो बन चुकी है। आप लोगों को एक बार प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ली कि वीडियो हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है और यहाँ पर जो पिक्चर है ना वो थोड़ा ज्यादा लंबा है तो इसको अच्छी तरीके से इसी तरह से कट कर देना है। वीडियो आपकी मुकम्मल हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको सेव करना है। ट्री डॉट्स पर जाइए और यहाँ पर एक्सपोर्ट पर जाइए तो आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आप उसके बाद क्या करना है कि टिकटॉक पर आसानी से अपलोड